ये हम लोग लोड एलवीडी और बैटरी एलवीडी का सेटिंग कैसे और उसका फिर रिकनेक्ट कैसे करना है और कितना वोल्टेज पे करना है, जिससे कि हम लोग का शॉर्ट ड्यूरेशन आउटेज, जिसको एसडीआई बोलते हैं, वो ना आए। इसके लिए हम लोग कंट्रोलर में, एसएमपीएस के कंट्रोलर में एंटर दबाते हैं, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद बैटरी के सेटिंग में जाएंगे, एलवीडी सेटिंग में गए, उसका देखिए यहाँ पे एलवीडी वन, एलवीडी टू इनेबल, यस ओके। देखिए एलवीडी वन का वोल्टेज 44 है, मतलब हम मेरा लोड 44 वोल्ट जैसे ही जाएगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके नीचे देखिए एलवीडी वन री वीटी लिखा हुआ है, मतलब रिकनेक्ट वोल्टेज वो 50 वोल्टेज पे अपना है। इसी को हिस्टेरेसिस वोल्टेज बोलते हैं, मतलब ये जो डिस्कनेक्शन है 44 पे और फिर मेरा एलवीडी रिकनेक्ट होगा 50 पे, इसके बीच में 5 से 6 वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। ये किस लिए? क्योंकि मान लीजिए मेरा डिस्कनेक्ट का 44 पे है, उसके बाद लाइट आ गई साइड पे, जैसे ही 45 आया मेरा एलवीडी रिकनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, वो लो वोल्टेज में साइड का ऑपरेशन होगा, जिससे कि मेरा साइड फ्लक्चुएशन में रहेगा, आते रहेगा साइड, जिससे कि मेरा इक्विपमेंट भी फॉल्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम लोग एक बार अपना वोल्टेज फिर से सही आ जाए अच्छे लेवल पे, डैट मीन्स आप अपना 50-51 के आसपास आ जाए, तो इसलिए हम लोग रिकनेक्ट का 50 के आसपास रखेंगे और डिसकनेक्ट का 44 पे। सिमिलरली हम लोग एलवीडी 2, मतलब अपना बैटरी एलवीडी के लिए 43 यहाँ पे है, 42 भी रखते हैं इसको, और एलवीडी 2 रिकनेक्ट, देखिए एलवीडी 2 रिकनेक्ट भी अपना 50 पे है, मतलब जैसे ही मेरा 50 वोल्ट जाएगा, एक बार डिस्कनेक्ट होने के बाद बिजली आती है, बिजली से चाहे डीजी से जो भी सप्लाई है, तो मेरा सिस्टम 50 पे कनेक्ट हो, जिससे कि मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन आउटेज बचे और अपना इक्विपमेंट भी फेलियर होने से बचे।